व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और भाई के दान काफी अच्छे से रख रहे हो। कई सारे बच्चे ये बोलेंगे, सर हमारी ट्रेन जो है वो 12 घंटे देरी से कैसे चल रही है, मतलब ये वीडियो शाम को 9 बजे आनी थी, ये वीडियो सुबह 9 बजे कैसे आ रही है। तो 12 घंटे देरी से आप लोगों की गाड़ी इसलिए चल रही है क्योंकि उस टाइम पर दूसरी ट्रेन आ गई थी। वो ट्रेन थी आप लोगों की मंथली वीडियो। तो कई सारे बच्चों के द्वारा मेल किया गया कि सर कुछ ऐसे हैं कि जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, कई सारे ऐसे भी जो हैं वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट जो कि ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको लगा अगर 2 घंटे की वीडियो उस टाइम पर आएगी तो प्रॉपर उसको देख नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को सर मॉर्निंग में की जगह आप इवनिंग में डाल दो तो हम लोग इसको अच्छे से कवर भी कर लेंगे और एक बर्डन भी नहीं लगेगा कि हाँ बची हुई है उसको कवर करना है। तो मुझे अच्छा लगा ये सजेशन, मैंने कहा कि चलो ठीक है तो इसको अभी डाल देते हैं। तो मैंने इसको कल ही डाल दिया था इवनिंग में, पर लेकिन उस टाइम पर फिर अगर दूसरे वाली वीडियो आने का टाइम नहीं बचता क्योंकि 2 घंटे की थी ये वीडियो अकेली, तो मुझे लगा एकदम बर्डन हो जाएगा आप लोगों के ऊपर, तो फिर इसको मैंने मॉर्निंग में डाल देंगे जहां पर ये वाली वीडियो डालनी थी। तो देरी से नहीं है, आप लोगों की जो पोजीशन है बस वो चेंज की गई है, तो ट्रेन देरी से नहीं चल रही है, ठीक है। जो उसकी जगह कोई दूसरी ट्रेन आ गई थी तो आप लोगों की बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप लोगों की गाड़ी छूट गई है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर सीट मिल गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो कहने का मतलब यह कि यार रिवीजन जरूर कर लेना नवंबर के महीने का, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए और रिवीजन जितना करोगे एग्जाम में उतना ही कंफर्टेबल फील करोगे। बात बड़ी शानदार बोली है, ध्यान से सुनिएगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो यहां पर आप लोगों को यह बोला गया कि मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए के अंदर भी आजमाई जाती है। यानी कि किस्मत तो हमेशा लोग जो है जुए में आजमाते हैं और मेहनत करने वाले हमेशा अपने बलबूते पर अपने मुकाम को हासिल कर कर जाते हैं। वो इंसान जो हमेशा अपने बलबूते पर काम करते हैं वो इंसान हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और जो जुए की तरह अपनी जिंदगी को लेकर चलते हैं वो हमेशा दुख में रहते, चिंता में रहते, टेंशन में रहते कि पता नहीं ये होगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो हमेशा अपनी जिंदगी को इस तरीके से लेकर चलना है कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ यार हम लोगों को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी अपनी मेहनत के बल पर अचीव करनी है। तो वो वाली जिंदगी अचीव करोगे तो जिंदगी भर कॉन्फिडेंस में जियोगे और अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से एंजॉय करना, यही यहां पर आने का पर्पज भी है, उसमें कोई भी कमी खामियां नहीं होनी चाहिए। तो अच्छे से एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो करंट अफेयर को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं और स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो अपनी रेगुलर लाइफ का पार्ट बना लीजिए, सारी दुख और चिंताएं आप लोगों की दूर हो जाएगी। काफी शानदार, काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा, टकटकी लगाकर देखिएगा वीडियो के एंड तक, काफी कुछ जानने को मिलेगा। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में। ये तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात की जा रही है, यहां पर 2 लेवल पर ये प्रस्तुत किया जाता है, एक तो हमारे देश के यानी कि इंडिया के लेवल पर और एक वर्ल्ड के लेवल पर। तो दोनों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा और आप लोग कंफ्यूजन ना जाए तो उसको भी हम लोग क्लियर करके चलेंगे चीजों को। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर बात करें तो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ स्टेट के अंदर जो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मल्टी डायमेंशनल जो लोग हैं, इसके बाद में 2 नंबर पर है झारखंड और फिर है उत्तर प्रदेश, जहां पर अलग अलग तरीके से लोग आप लोगों को गरीब नजर आएंगे, ठीक है। तो वो मूवी देखिए चेन्नई एक्सप्रेस, वो नहीं कहते उसमें शाहरुख खान जब उसका मोबाइल बाहर फेंक देते हैं ग्रीबो वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कहता है मेरा फोन फेंक दे मैं कंपनी खरीद लूंगा ये कर लूंगा। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोवेस्ट पॉवर्टी कहां पर है तो यहां पर पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप और सिक्किम, और यहां पर ये सबसे टॉप पर कौन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अकॉर्डिंग टू यहां पर ग्लोबल MPI के हिसाब से बात करें, इनकी मल्टी जो यहां पर बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक कितनी है 109 कंट्री में से, ये भी आप लोगों को बताना है। अभी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर की जा रही है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। एक इंटरनल वर्किंग कमेटी बनाई गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसको होल्ड पर अभी डाला गया है, तो वो किससे रिलेटेड है उसके बारे में समझेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अभी बात की जा रही है गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिला ये आप लोगों को बताना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बता होना चाहिए। आगे यहां पर बात की जा रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में जो कि 26 थी, आप लोगों को बताना है कहां पर हुई थी, ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, जानेंगे कई सारी और बातें। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, ये अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो यहां पर कौन से एक्ट के अंदर आती है ये आप लोगों को बताना है। NCC के बारे में आप लोगों ने सुनाई है, NCC को कब फॉर्म किया गया था और कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। अभी यहां पर केरला हाईकोर्ट के द्वारा कुछ बातें बोली गई इसी के बारे में कि अमेंडमेंट करो NCC का जो एक्ट है, रीजन क्या है क्योंकि वहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग बातें जानेंगे। तो काफी सारी बातें यहां पर जानने को मिलने वाली है, तो काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा टकटकी लगाकर ताकि कोई भी कंफ्यूजन देखने को न मिले।
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट डे के बारे में। और हाँ, कल मैंने एक वीडियो आप लोगों की इंपोर्टेंट डे और जो थीम की थी वो भी डाली थी, लगभग 10 मिनट की वीडियो है, तो रिविजन कर लेना। सारी जो इंपोर्टेंट डे थीम है वो एक ही जगह इकट्ठे आप लोगों को मिल जाएंगे, और फिर मंथली वीडियो भी आप लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से। रिविजन जितना अच्छे से करोगे, अपने साथ में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग एक तरीके से उनसे काफी आगे अपने आप को पाओगे, यानी कि आप लोग अपने आप को एक प्रॉपर एनवायरमेंट में ढलता हुआ पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है। अभी कोविड-19 के चलते कंप्यूटर जो है वो हर एक इंसान की लाइफ का पार्ट बन गया, और जिसके पास में कंप्यूटर या फिर मोबाइल नहीं था वो काफी पीछे छोड़ गया। तो उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है 2 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, और ये एनकरेज करता है कि कैसे हम लोग को डेवलपमेंट करना है टेक्निकल स्किल, मेनली खासकर बच्चों के लिए, और वुमेन को भी साथ में लेकर चलने की बात की जा रही है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको सुधारा जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम लोग को काम करना है। कंप्यूटर जो है एक लाइफ का पार्ट बन गया है आज के डेट में, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो सबको उससे रिलेटेड स्किल आनी चाहिए कैसे इसको ऑपरेट करना है। ये है बेसिकली बात। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो डे है यहाँ पर, ये है इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी के बारे में क्या करते हैं, देखिए दो तरीके से लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक होता है किसी के यहाँ पर जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलती है, दूसरा इंसान वो है वो किसी के यहाँ पर काम करेगा उसको सैलरी नहीं मिलेगी, वो बस वहीं पर काम करता रहेगा एक तरीके से बिना कोई सैलरी के, बस रोटी वगैरह कपड़ा उसको मिलता रहेगा जिंदगी जीने के लिए। तो सेकंड वाली की जो कैटेगरी है वो स्लेव बन जाती है। आप लोगों ने मूवी देखी है यहाँ पर, अभी रिसेंटली पद्मावत मूवी आई थी, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो स्लेव था, ठीक है, तो वो जो था स्लेव यहाँ पर, वो उसको गिफ्ट दिया गया था, तो वो स्लेव था, यानी कि एक तरीके से वो खरीदा गया है। जैसे जानवर आप लोग खरीद के नहीं लेकर आते हैं, पहले टाइम पर ऐसे इंसानों को बेचा जाता था, तो उसके चलते वो स्लेवरी पर था, काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती थी। हालांकि अब तो यहाँ पर ये चीजें नहीं है, इनको हटा दिया गया, पर काफी लंबे समय तक काफी ज्यादा नुकसान इसकी वजह से देखने को मिला। तो ये जो स्लेवरी है इसको अबोलिश करने की बात की जाती है, कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिलनी चाहिए आज के टाइम पर, खासकर एक मॉडर्न वर्ल्ड में। तो 2 दिसंबर ये डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं ताकि ये स्लेवरी को हम लोग मिटा सके। हमारे संविधान के अंदर भी जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इसके अंदर आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 काफी इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 इन सब मुद्दों को रोकने का काम करते हैं। तो आर्टिकल 23 जो है वो यहां पर स्लेवरी वगैरह इन सबको रोकने की बात करते हैं। आर्टिकल 24 किसके बारे में बात करते हैं तो ये आप लोग को बताना है, कईयों बार बता चुका हूं, रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। अगर बात करें यहां पर, माना जाता है कि आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को देखते हैं तो 40 मिलियन के करीब जो लोग हैं वर्ल्ड में, तो विक्टिम है स्लेवरी के किसी न किसी तरीके से। मॉडर्न स्लेवरी बेसिकली बोला जाता है, यानी कि एक तरीके से उनको उनकी जिंदगी उनके हिसाब से नहीं जीने दी जा रही है। एक्सप्लोइटेशन होता है, वॉयलेंस होता है उनके खिलाफ में, अब्यूज किया जाता है उनको, एक तरह से मारपीट होती है, तो कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो स्लेवरी जो है उसको खत्म करना काफी जरूरी है, वरना इंसानों में और जानवरों में कोई फर्क आप लोगों को नजर नहीं आएगा। तो ये जो 2 आर्टिकल आप लोगों को बताए हैं ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछे गए हैं, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों के सामने, इसको बोलते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। कई बार ना टंग स्लिप हो जाती है यार, सॉरी, ठीक है। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है आप लोगों के सामने, तो ये यहाँ पर बेसिकली 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, किसके बारे में, पोल्यूशन के बारे में। हिंदी में बोले तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, पोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? चलिए बताइए, पोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रदूषण, ठीक है। तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ शब्द हिंदी के भी यूज कर लिया करो। यार हिंदी में तो बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई दूसरी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ? कुछ शब्द रहते हैं पर, लेकिन मैक्सिमम तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, तो ये ऐसा टेंशन मत लिया करो कि हाँ हिंदी और इंग्लिश, थोड़ी सी चीजों को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर, कल को ऐसी जगह पोस्ट कर दिया गया कि जहां पर आप लोगों को बेसिकली हिंदी यूज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या करोगे वहां पर? तो इसलिए कोशिश करो कि लैंग्वेज ही तो है, उसको सीखने की कोशिश करो, कुछ शब्द तो कम से कम बेसिक आने चाहिए कि ये चीजें अंडरस्टैंड करो, पोल्यूशन को प्रदूषण न बोला जाए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आज के डेट में पोल्यूशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, प्रदूषण के बारे में काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और खासकर चाहे पानी का पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर का पोल्यूशन हो, चाहे वो मिट्टी का पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइस का पोल्यूशन हो, तो हर तरीके का पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है वो खतरनाक है, तो उसको रोकना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी यहां पर बात करें जो डे है वो इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि यहां पर भोपाल गैस जो त्रासदी देखने को मिली थी, तो बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर निकल कर आया, तो वहां से काफी लार्ज स्केल पर एक ऐसी दिक्कत हो गई क्रिएट जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था, यानी कि बहुत सारे लोगों की रातों ही रातों में जान चली गई। तो यहां पर एक गैस निकली थी जिसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, तो इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जान चली गई। कई बार आप लोगों से इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, कई सारे ऐसे इंसिडेंट अगर पास्ट में हुए, कहीं और भी ऐसा कोई दिक्कत देखने को मिली है, तो कई बार उसको मैच करने के लिए भी आ जाता है।
तो याद रखिएगा ये 2 और 3 दिसंबर की रात में, यानी कि जो 2 से 3 दिसंबर में जा रहे थे तो जो रात थी उसके बीच में, उस रात को यहां पर मिथाइल जो यहां पर आइसोसाइनेट ये लीक हुई यूनियन कार्बाइड जो इंडिया लिमिटेड के प्लांट से जो कि भोपाल के अंदर है, ये हुआ यहां पर 1984 यानी कि 1984 के अंदर में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, ये माना जाता है हजारों लोगों की जान गई यहां पर, और इसी के साथ में अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो कई लाख लोग जो है वो इसकी वजह से इंजर हो गए, यानी कि जाने वाले लोगों की जान जाने वालों की हालांकि संख्या मानी जाती है जो डॉक्यूमेंट्स में है वो लगभग 3,500 बोली जाती है, पर लेकिन लोकल एरिया के लोग ये बोलते हैं कि वो लगभग 16,000 के करीब लोगों की जान गई, ना कि 3,500 की। तो ये काफी बड़ी बात होगी, परिवार के परिवार जो है वहां पर खत्म हो गए थे, तो वो एक कहीं ना कहीं एक तरीका पॉल्यूशन ही आप लोग उसको बोल सकते हैं जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिली। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि नीति आयोग ने किसको बेसिकली यहां पर रिप्लेस किया था, तो इसके बारे में कई सारी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक आयोग बनाया गया जो कि हमारे देश में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर 2015 में 1 जनवरी से इसको स्टार्ट किया गया। तो पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग आ गया, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना इसके बारे में संविधान में कहीं लिखा है और ना ही इसके बारे में कोई रूल से बनाकर यानी कि इसको पार्लियामेंट में पास कर बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा डिसीजन के द्वारा बनाई गई है। नीति आयोग के द्वारा अभी रिसेंटली एक रिलीज की है रिपोर्ट जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी, यानी कई सारी दिशा में पुअर्टी, कई सारी दिशा में गरीबी हो गई, यानी कि एजुकेशन भी नहीं मिली है, हेल्थ भी अच्छी नहीं है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स के बारे में यहां पर नीति आयोग के द्वारा अभी एक जो डेटा इशू किया गया और उसमें कई सारी डायमेंशन के चलते बताया गया क्या क्या दिक्कत है। 3 जो वेटेज दिए गए मेनली यहां पर, एक तो है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हेल्थ देखी गई, एजुकेशन देखी गई और रहने का कैसा उनका लेवल है उसको देखा गया और उसके बेस पर यहां पर इसको तैयार किया गया इस इंडेक्स को। इस इंडेक्स के अंदर में 3 डायमेंशन है, एजुकेशन, हेल्थ और ये बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड, और 12 इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, न्यूट्रिशन या स्कूल में अटेंडेंस कैसी है, ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कितने दिन तक स्कूल में इंसान गया है, पानी मिल रहा है कि नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है, घर वगैरह है कि नहीं है, बैंक में अकाउंट है, ये सारी चीजें यहां पर चेक की गई। जिस एरिया में ये सारी चीजें हैं उसका लेवल अच्छा है और जिसमें ये सारी चीजें नहीं है उसका लेवल अच्छा नहीं है। ये नेशनल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये बिल्कुल ऐसे जैसे ग्लोबल लेवल पर तैयार किया जाता है, ग्लोबल लेवल पर मल्टी डायमेंशनल जो इंडेक्स है क्वेश्चन बन जाएगा कौन प्रस्तुत करता है, तो याद रखना इसके द्वारा तो ये बोले ये कौन प्रस्तुत करते हैं, तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि OPHI, ये UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि कौन यहां पर पब्लिश करता है, तो ये बोलने लगे कि हम भी पब्लिश करेंगे, तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, हमारी कंट्री में अगर कोई कानून बनाना है जो कि यहां पर सारे राज्य में इंप्लीमेंट करना है तो सेंटर एक कानून बना देगा और फिर उसको ऑल ओवर जो कंट्री के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, या फिर राज्य उसके हिसाब से अलग अलग कानून बना लेंगे अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट की कैटेगरी में आता है, समवर्ती सूची जिसको आप लोग बोलते हैं, तो ये आप लोगों को मुद्दा देखने को मिलेगा। ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कानून बना देते हैं, जैसे UN ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कोई कानून बना दिया, WHO ने हेल्थ से रिलेटेड कोई कानून बना दिया, तो उसको फिर क्या करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में सारी कंट्री उससे एक रेफरेंस ले लेते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि कल को कोई बाहर की कंपनी भी अगर देश के अंदर आकर काम करे तो उसको कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड हमारे देश में उसको नजर आएंगे। तो ये बेसिक एक फंडा है, इसी के बेस पर अभी यहां पर ये वर्ल्ड लेवल का एक इंडेक्स है जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बोलते हैं, तो इसमें मिलाकर टोटल जो भी होते हैं उसको कवर कर कुछ अपना एडिशन कर अपना खुद का तैयार कर दिया, बिल्कुल ऐसे जिससे हमारा संविधान है, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो हम लोगों ने वहां से उठाई और अपने संविधान में डाली और कुछ अपना जो चीजें थी उनको मिक्स किया और एक प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने तैयार कर लिया। तो यही चीजें आप लोगों यहां पर इस इंडेक्स में देखने को मिलेगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 4th नंबर का है उसका डेटा यहां पर इसके अंदर आप लोगों को नजर आएगा। अभी फिलहाल नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5वें नंबर भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है और जो
ऑक्सफोर्ड पुअर्टी एंड ह्यूमन जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है इनके द्वारा मिलकर तैयार किया जाता था, और अभी जो ये लेटेस्ट तैयार किया गया उसमें हमारे देश की जो रैंकिंग थी वो 109 कंट्री में से 66 जो रैंक आप लोगों को हमारी देखने को मिली। तो ये काफी एक ज्यादा अच्छी आप लोग नहीं बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई एरिया में आप लोगों को पुअर्टी देखने को मिलेगी। कोई गरीब है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, यानी कि उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, किसी को हेल्थ अच्छी नहीं मिली तो वो हेल्थ की वजह से गरीब है, और किसी को और कई सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो जो फाइंडिंग है यहाँ पर इस इंडेक्स की, तो बिहार हो गया यहाँ पर जो इंपोर्टेंट मुद्दा है, यहाँ पर बिहार याद रखेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा पुअर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं आप लोगों को इस इंडेक्स के हिसाब से बिहार में नजर आएंगे। दूसरे नंबर पर है झारखंड और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर मैक्सिमम आप लोग बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा पॉपुलस स्टेट भी है, और बाकी का सारा जो दारमदार है यहाँ पर लोगों की कंडीशन आजादी के 75 साल बाद भी ऐसी रहने की, वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटिशियन को जाता है, और पॉलिटिशियन को तो मैं गलत ही बोलूंगा जाता है, हमको खुद को जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे पॉलिटिशियन चुनते हैं जो कि हमारे लिए कुछ करते नहीं है, और फिर हम लोग पॉलिटिशियन पे उसका ठेकरा फोड़ देते हैं। हमको अपने सर पर यह ठेकरा फोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए पॉलिटिशियन ही वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वरना इतने दिनों बाद भी हम लोग आज के में एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ये सारी ऐसी बेसिक चीजें काम नहीं कर पाए हैं। तो ये जरूरी है कि इसके बारे में सोचे और समझे। केरला जो है यहाँ पर वो सबसे बेस्ट राज्य है यहाँ पर इस परफॉर्मर की कैटेगरी में, तो ये काफी इंपोर्टेंट है खासकर इसके बारे में अगर बात की जाए। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सबसे नीचे है वो है बिहार, ठीक है, बिहार में से 2000 में अलग करके बनाया गया था झारखंड, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। यहां पर सबसे टॉप देखने को मिलेगा केरला, केरला यहां पर कर्नाटक और तमिलनाडु को टच करता है, और यहां पर ये आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा अरेबियन सी की साइड में। यहां एक पुदुचेरी की एक डिस्ट्रिक्ट भी है जिसको बोलते हैं मेही, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें होगी केरला के बारे में। तो केरला के द्वारा यहां पर अभी जो अपनी अच्छी खासी रैंक यहां पर अचीव की गई, तो इसलिए यहां पर अप्रिशिएट करने वाली बात है। बाकी बिहार जो है यहां पर ये हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल न्यूट्रिस्ट जो लोग भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कुपोषण का शिकार भी सबसे ज्यादा लोग आप लोगों को बिहार के अंदर ही नजर आएंगे। झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है यहां पर ये वाले जो राज्य हैं यहां पर, फिर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा कुपोषण के, जो कुपोषित लोग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। और इन सब चीजों के पीछे क्या रहता है, वो रहता है गरीबी। एक इंसान अगर गरीब है उस इंसान को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, एक इंसान गरीब है उसको अच्छी हेल्थ नहीं मिल पाएगी, एक इंसान गरीब है उसको दूसरी फैसिलिटी जो होती है वो भी अच्छी नहीं मिल पाएगी, तो सारी दिक्कत देखने को मिलेगी, इवन खाना पीना भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब जाते हैं तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और इनके अंडर जो टारगेट है वो है 169। तो इसमें सबसे पहला गोल इनके द्वारा गरीबी ही रखा गया है। अगर गरीबी मिट गई तो आधी से ज्यादा चीजें तो आप लोग वैसे ही यहां पर खत्म कर लोगे। तो गरीबी जो है वो एक नींव है, एक बेस है इन सारी दिक्कतों का, तो सबसे पहले आप लोग को गरीबी मिटानी है, तो इसलिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो यहां पर अगर बात करें तो आप लोग देखते हैं किस किस राज्य से आप लोग आते हैं, इसके बारे में आइडिया रखेगा और बताइएगा आप लोगों की राज्य की पोजिशन क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर में, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि आप लोग यहां पर पोजीशन क्या है, तो बताइएगा, आप लोग चेक कर लेना इसको एक बार। बाकी अगर बात करें जो अगर इसके अंदर में जो परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है जो डिप्राइव्ड है यहां पर ईच इंडिकेटर में, तो वो बताई गई है। तो यहां पर न्यूट्रिशन के बारे में बात की गई है, चाइल्ड जो एडोलेसेंट मोर्टेलिटी के बारे में बात की जा रही है, इसी के साथ में मैटरनल इनके बच्चे की डेथ और यहां पर माता की डेथ, यहां पर ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग में अटेंडेंस कितनी है, कुकिंग जो खाना, साफ सफाई, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, घर वगैरह, एसेट्स वगैरह और बैंक अकाउंट, तो ये वो इंडिकेटर है जिनको चेक किया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत, ठीक है। अभी तो यहां पर अब हम लोग इसको चेक कर बता पाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन यहां पर नजर न आए। एक बच्चे के द्वारा भी लिखा गया कि सर कुछ भी चीजें हुआ करें मैप में या फिर किसी भी चार्ट में उसको बता दिया करो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं ओनली लेक्चर सुन पाता हूं। देखो यार, इस तरीके से लोग जो है कितनी हिम्मत कर रहे हैं, आप लोग ये सोचिए, आप लोग तो वैसे भी एक तरीके से कितने अपनी जो पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों के पास में आंखें भी हैं सुनने के लिए, कान भी हैं देखने के लिए, आंखें होगी, ठीक है, और बोलने के लिए प्रॉपर मुंह भी है, तो सारी चीजें आप लोगों के पास में है। तो आप लोग सोचिए जिस इंसान के पास में इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए हमेशा अपने आप को खुशनसीब समझो आप लोग, कभी भी ये देख करके गरीबी है ये चीजें हैं उनको आप लोगों को इरिटेट नहीं होना है, काम करो, उससे बाहर निकलो, पैसा कमाओ जिंदगी में और दूसरों के ऊपर भी खर्च करो, अपने ऊपर भी खर्च करो, तो अपनी जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर चलो। तो रोते रहना कोई जिंदगी का सोल्यूशन नहीं होता है। आखिर इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये बोलेगी है कि अगर पता चलेगा कौन सा राज्य कितना गरीब है तो वहां पर अलग सी पॉलिसी हम लोग बना पाएंगे और उसको इंप्रूव कर पाएंगे उस एरिया को, तो वहां पर मॉनिटर भी कर पाएंगे और अच्छे से कि क्या क्या दिक्कत है ताकि कोई भी पीछे न छूटे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबको साथ में लेकर चलने वाली बात यहां पर की जा रही है। दूसरा यहां पर बात की जा रही है कि अगर बात करें
तो ओवरऑल जो पिक्चर है पुअर्टी की वो सामने निकल कर आ रही है। तो मोर डेप्थ में हम लोग एनालिसिस कर पा रहे हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को भी समझ पा रहे हैं, तो अलग अलग सेक्टर में हम लोग जान पा रहे हैं यानी कि हर एक राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है और कौन कौन से एरिया में दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो सारे डेटा हमारे सामने है। हेल्प करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए भी। पहला ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यहां पर बात करते हैं कि गरीबी को कैसे खत्म करना है, तो गरीबी को खत्म करने के ऊपर फोकस देता है। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है उसका मतलब भी ये होता है कि रिड्यूस करना है पुअर्टी। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि सस्टेनेबल बनाना है ताकि एक तरीके की चीजें जो है वो सही लेवल पर मिलती रहे। एम क्या है, रिड्यूस करने का एटलीस्ट हाफ द जो यहां पर प्रपोर्शन ऑफ द मैन और वुमेन चाइल्ड जो है उनको जो एक तरीके से गरीबी से बाहर निकाला जा सके। देखिए अगर माँ बाप गरीब है ना तो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा बच्चे भी एक तरीके से वहां पे गरीबी से बाहर निकलने में काफी ज्यादा वो एक तरस जाते हैं, उसी लेवल पे रहते रहते उनकी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो अगर आज की डेट में आप लोग खुद अगर एक अच्छी पोजीशन पर चले जाओगे तो आने वाले टाइम में जो आप लोग की जनरेशन होगी, जनरेशन तो छोड़िए पूरे देश को आप लोग आगे लेकर चल पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग लाइफ का पार्ट बना सकते हैं और मेहनत करिए खूब और अच्छी चीजों को अचीव कीजिए। ये आर्टिकल पर्सनली मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा और ये ऐसी न्यूज है जो कि कई साल से पीछे न्यूज में चल रही है, ठीक है, आज से नहीं है, पुराने टाइम से ये न्यूज में है। अगर रेगुलर आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा तो आइडिया लगेगा जब न्यूज को आगे बताऊंगा, और ये ऐसी न्यूज है जो आगे भी चलने वाली है, तो इसलिए ऐसे किसी इशू को आप लोग एक बार समझ लीजिए ताकि आगे दिक्कत देखने को न मिले, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई बोलते हैं, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है। ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग सेंट्रल बैंक होते हैं उस कंट्री को संभालने के लिए, जैसे यूएसए का है फेड रिजर्व, ऐसे ही हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई, एक यहां पर इंटरनल वर्किंग कमेटी बनाई गई थी, उसमें ये बोला गया कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जैसे कि अदानी हो गया, अंबानी हो गया, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज वाले जो लोग हैं उनको ये बोला गया कि उनको अलाउ किया जाए कि आप लोग एक तरीके से एज ए बैंक अपना खुद का एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी को एस्टेब्लिश करने की बात की गई बैंक। तो यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट होता है उसके तहत उनको बोला गया कि 1949 का हमारे देश में एक्ट है, तो उसके तहत उनको अलाउ कर देना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी जो है वो बैंक खोल सकती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्ट की गई यहां पर एक जो वर्किंग कमेटी की रिकमेंडेशन, उसने 33 रिकमेंडेशन है कि 33 रिकमेंडेशन दी थी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसमें से यहां पर टोटल 21 रिकमेंडेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी। और यहां पर इसमें जो यहां पर इंटरनल वर्किंग जो कमेटी थी उसमें प्राइवेट बैंक के बारे में बोला गया, तो उसको भी यहां पर बिग हाउसेस के लिए कि उनको लाइसेंस देना चाहिए, तो उसको भी एक्सेप्ट यहां पर किया गया। तो इसकी वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में था। तो ये बेसिक चीज होगी जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अगर यहां पर बैंकिंग सिस्टम के अंदर आते हैं तो ये आज से नहीं है, पहले से यहां पर ये चीज चलती थी। अभी तो आप लोग देख रहे हैं, पहले जमाने में भी कहीं ना कहीं जो बैंक हुआ करते थे वो इन्हीं के अंडर में हुआ करते थे, गरीब लोगों के लिए बैंक नहीं थे वो, तो अलग अलग टाइम पे खासकर कई सारी गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें इंदिरा गांधी जी का रोल काफी बड़ा रहा, उन्होंने मैक्सिमम जो बैंक थे उनको बेसिकली एक तरीके से क्या किया, उसको एक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया। तो उसका जो बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक बने, प्राइवेट बैंक, उससे कई सारे लोग उसमें अकाउंट खुलवा पाए, तो वो प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिला। इसमें कॉर्पोरेट हाउसेज जो यहां पर आने वाले हैं नेशनल लेवल पर, तो बोला जा रहा है कि यहां पर आगे चलने वाले टाइम पर तो इससे काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, पर लेकिन इसी के साथ में मिसयूज भी हो सकता है। होता क्या था, देखिए कल को अगर चलकर, आखिर ऐसा अलाउ क्यों किया जा रहा है, होता क्या है कई बार कल को चलकर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ठीक है, वो वहां पर काम कर रहा है, उसमें अगर कोई पैसा दिया, ठीक है, तो वहां पर क्या करा, अगर कोई पैसा डूब गया और बैंक में सारा पैसा किसका रखा हुआ है, वो रखा हुआ है यहां पर गरीब लोगों का, तो क्या होता है उनका टैक्स पेयर की मनी जो है वो कई बार डूब जाती है उनकी, तो वो दिक्कतें देखने को मिलते हैं। अगर इंडस्ट्री वालों से पैसा ले जाएगा तो उन्होंने तो प्रॉफिट कमा रखा है सारा, तो उस प्रॉफिट को यहां पर यूज किया जाएगा। तो बैंकिंग सेक्टर को ओपन इसीलिए किया जा रहा है प्राइवेट के लिए ताकि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, पोस्ट लिबरलाइजेशन यहां पर अगर बात करें, लाइसेंसिंग भी यहां पर स्टार्ट की गई थी 1993 में, पर लेकिन उस लेवल पर चीजें नहीं कर पाई जिस लेवल पर सोच रहे थे। तो यहां पर जब से लेकर यहां पर बात करें तो बोला गया कि दो राउंड चल चुके हैं 2003-04 में और 2013-14 में, जिसमें बोला जा रहा था कि ऐसे लोगों को यहां पर बैंक बनाना है तो वो आगे आ सकते हैं। तो प्रोमिनेंट बिजनेस हाउस जो है उनको कंसीडर करने की बात की गई, पर लेकिन यहां पर इनको 2013-14 में कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि यहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। प्रोस क्या है, कौनस क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। अगर यहां पर बैंक बनाने के लिए इनको अलाउ कर देते हैं तो क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला तो वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कल को चलकर अगर गवर्नमेंट के पास में पैसे की कमी होती है, तो जैसे क्या क्या गवर्नमेंट ने बोला
कि आज की डेट में किसानों का लोन माफ कर देना है। तो किसानों का लोन माफ किसने किया? बैंक ने किया। उस बैंक में पैसे किसके रखे हुए हैं? बहुत सारे तो किसानों के ही होंगे, बहुत सारे जो मेरे और आपके जैसे लोगों के वहां पर पैसे होंगे। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक तरीके से टैक्स पेयर की मनी है वो, तो वो मनी यहां पर चलेगी। किसी इंडस्ट्रीज को पैसा दिया वहां पर, वो एनपीए हो गया, इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो टैक्स पेयर की मनी वहां पर गई। तो इससे काफी ज्यादा कमर टूटती है गवर्नमेंट की भी। अगर प्राइवेट वाले आएंगे तो अगर जो प्रॉफिट होगा उनको, तो लॉस होगा उनको, तो बिग जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं तो सेक्टर में आएंगे, तो यहां पर एक्स्ट्रा जो पैसा होगा, अगर गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट भी है तो टैक्स पेयर की मनी यूज नहीं करेंगे वो, यहां पर इनसे पैसा बेसिकली उठा सकते हैं, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि और कंपटीशन मार्केट में आएगा, बैंक नए निकल कर आएंगे, तो यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा अगर बड़े बड़े हाउसेज यहां पर बैंक में आएंगे, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि वो ढंग से काम करें, वरना वहां से लोगों के अकाउंट हटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एक कहीं ना कहीं कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर बातें की गई है, यहां पर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। जितने ज्यादा यहां पर बैंक बनेंगे उतने ही ज्यादा लोगों के अकाउंट उनके अंदर खोले जाएंगे। तो इसके चलते क्या रहेगा, नई नई ब्रांच खुलेंगे अलग अलग एरिया में जाकर, गांव दूर दराज वाले एरिया में। तो इससे और ज्यादा लोग जो है वो यहां पर अकाउंट खोलेंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब नहीं यही है कि बैंकिंग सिस्टम में और ज्यादा लोग आप लोगों को आते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक काफी एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात होगी। कंसर्न कई सारे देखने को मिलेंगे जो कि दिक्कत वाली बात हो सकती है। वो कंसर्न क्या क्या है? कंसर्न यहां पर ये है, एक तो मोरल हजार्ड देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से ये सही नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अगर बोला जाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो बैंक वाला है तो उसने खुद को ही एक तो लोन देता रहेगा, ऐसी भी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ठीक है। सारी जो बैंकिंग सिस्टम वो कंट्रोल करेगा, अपने रिलेटिव जो पार्टी है उसके जो आसपास वाले लोग हैं उन्हीं को वो देगा, ठीक है। अपने में ही इनका एनपीए चलता रहेगा। यहां पर बिजनेस हाउसेज जो है ऑलरेडी अकाउंट करते हैं मेजर चंक ऑफ एनपीए, यानी कि बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेज जो है वो पैसा लेकर बैठे और फिर उन्होंने बोला हम लोगों को नुकसान हो गया, तो अपना ही पैसा ऑलरेडी बैंक का पैसा लेकर उसको एनपीए बना चुके हैं। तो बैंकिंग सिस्टम जो है वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाएगा, जहां उनको जरूरत पड़ेगी वहां इतना ह्यूज पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आप लोग बोल सकते हैं हर्षद मेहता स्कैम आप लोगों ने देखा है, वो वाला फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो काफी बड़ी बात ये होगी। तो पहला तो ये बोला गया, सर्कुलर लैंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। मान लीजिए एक है अदानी और दूसरा है अंबानी, ठीक है। तो ए हो गया, इसको अदानी अंबानी छोड़ो, एक है ए एक है बी, ठीक है। अगर ए इंसान जो है उसने एक बैंक बना लिया और बी इंसान है उसने एक बैंक बना लिया, तो आरबीआई कुछ ना कुछ कंडीशन रखेगा कि अपनी कंपनी में अपने ही बैंक से आप लोग पैसा नहीं लगाओगे। तो यहां पर ये बोलेगा कि यार तू मेरी कंपनी में लगा दे, मैं तेरी कंपनी में लगाता हूं, तुम मेरा भाई है, तो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आ सकती है। तो बाहर वाले लोगों को पैसा मिलेगा ही नहीं, तो यहीं पर ही अपने ही उसमें ये पैसा सारा घुमाते रहेंगे। इनइक्वालिटी का भी कंसर्न यहां पर देखने को मिल सकता है। कॉर्पोरेट हाउसेज जो है वो हमेशा प्रॉफिट के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो जहां पर डोमिनेटेड एरिया है वो वहां पे जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्यों करेंगे, वहां पर तो उनको ढंग से पैसा रिटर्न ही नहीं मिलता है। तो ये दिक्कतें भी सामने निकल कर आने वाली है। उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव खोजेंगे, कोई ना कोई लूप होल ढूंढेंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट नहीं तो वो नहीं। तो इस तरीके से और ज्यादा यहां पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो और ज्यादा अमीर लोगों के हाथ में पैसा आएगा और गरीब लोगों से और ज्यादा पैसा जो है वो दूर जाता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में यहां पर बात करें तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर और भी दिक्कतें देखने को मिलेगी जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर में, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने कुछ ऐसी चीजें देखी, जैसे कि आरबीआई के द्वारा 2016 में एक नई गाइडलाइन भी इशू की गई थी कि लेंडिंग जो है एक सिंगल कंपनी को आप लोग लेंडिंग कर सकते। उसमें क्या था, उसमें यह किया जाता था कि मान लीजिए आज के में एक बैंक है जो बी, उसने क्या किया एक कंपनी को लोन दे दिया यहां पर 5 करोड़ रुपए, कंपनी डूब गई, 5 करोड़ रुपए डूब गए। तो आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई ये कहता है कि छोटी छोटी कई सारी कंपनी को आप लोग लोन दे दो यहां पर, ताकि अगर यहां पर डूबे भी तो कम से कम एक कंपनी डूब गई दूसरी तो बची रहेगी, दूसरी डूब गई तीसरी तो बची रहेगी, ऐसा तो है नहीं सारी की सारी डूबेगी। तो एक इंसान को सारा पैसा न देके अलग अलग लोगों को पैसा दे दो, एक डूब गया चलो चलता है, दूसरे से कम प्रॉफिट आ रहा है, तो वो वाली चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये एक काफी इंपोर्टेंट मुद्दा है यहां पर। लेकिन अगर आप लोग ये इंप्लीमेंट करोगे कि यहां पर एक ही बैंक आप लोगों ने बना दिया कि उसी को पावर दे दी और प्राइवेट कंपनी भी आप लोग की आ गई प्राइवेट कंपनी वालों के लिए, तो ये तो फिर से आप लोगों ने अपनी ही रूलिंग के खिलाफ आप लोग चले गए। तो कहीं ना कहीं आपके खुद का जो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है आप लोगों का प्रीवियस जो रूलिंग थी उसमें आप लोग खुद से फिर से जो एक तरीके से वेल्थ को एक जगह एक्यूमुलेट करने का काम करोगे। तो यानी कि ये बैंक खुद अपनी ही बातों पर नहीं टिक पा रहा है, आरबीआई अपनी ही बातों पर नहीं टिक पा रहा है जिस बात के चलते आरबीआई के द्वारा ये बातें बोली गई थी। तो ये कुछ ऐसे इंपोर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए, ये समझाने की बात यहां पर की गई है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंपोर्टेंट आर्टिकल था, क्वेश्चन बन जाता है, ओके।
आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकल कर आ रहा है, ये है नेशनल कैडेट क्रॉप्स के बारे में, जिसको एनसीसी बोलते हैं। एनसीसी में आप लोग एक बात याद रखिएगा, हमारे देश में जो एनसीसी है वो काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से जूनियर लेवल पर आप लोग बोल सकते हैं हमारे देश में फोर्स को तैयार किया जाता है। 73rd एनिवर्सरी इसकी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी तो नवंबर के महीने में, और इसी के साथ में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूवल भी किया गया था इसको एक्सपेंड करने के लिए एनसीसी को। तो यहाँ पर हुआ क्या, अभी एक केस भी पहुंचा था यहाँ पर हाईकोर्ट के अंदर में, जिसकी वजह से भी ये न्यूज में था, वो भी बात करेंगे। अभी नेशनल जो कैडेट कॉर्प्स है यहाँ पर बॉर्डर और इसी के साथ में कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में खासकर अगर बात करें तो ये आप लोगों को कई सारे काम करते हुए भी नजर आते हैं। एनसीसी के केरला हाईकोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड करो, क्योंकि हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बनाने की बात की गई है, यानी कि मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो यहां पर उनको भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। अगर कोई बच्चा जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का आता है और एनसीसी में जाना चाहता है तो उसको अलाउ करना चाहिए, उसको वहां पर जाने से नहीं रोकना चाहिए। तो ये बातें यहां पर सामने निकल कर आई, तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है उसके अंदर चेंज करने की बात की गई। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ये 1948 1948 का है, उसके अंदर चेंज करने की बात यहां पर की गई। अगर बात करते हैं एनसीसी के बारे में तो एक कमेटी जिसको बोलते हैं HN कुनुहरू कमेटी यहां पर 1946 में बनाई गई थी, जिसके चलते यहां पर ये ब्रिटिश एरा से एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म्ड यूथ एंटिटी तैयार की गई। तो यूनिवर्सिटी कॉर्प्स या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग जो है यहां पर कॉर्प्स, तो उसके तरीके से आप लोग यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। अगर बात करें यूनिवर्सिटी कॉर्प्स जो है ये क्रिएट की गई थी इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत 1917 में, और एनसीसी जो है एक्सपेंड की गई लेटर जो कि गर्ल्स डिवीजन के लिए भी 1949 में। तो ये इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स नेवी और आर्मी, आप लोग अगर एनसीसी के ए बी सी सर्टिफिकेट होते हैं तो सी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे पावरफुल है, ठीक है। ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहां पर नीचे, बी का उससे ऊपर और सी का उससे ऊपर वो देखने को मिलेगा। सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है अगर आप लोगों के पास में तो कई जगह तो आप लोग इस SSB में डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उसमें डायरेक्ट भी आप लोगों की एंट्री हो जाती है, तो ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चों को आप लोग एनसीसी दिला देते हैं स्टार्टिंग में तो एक डिसिप्लिन के वे में भी वो काम कर पाता है। तो एनसीसी का अगर मौका मिले तो बच्चों को दिला देनी चाहिए। इसी के साथ में जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, जो सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है एनसीसी, ये भी आप लोग बोल सकते हैं, स्कूल और कॉलेज में भी आगे चलकर ये काम करती है अगर आप लोग एनसीसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। एनसीसी जो है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग यहां पर बच्चों को प्रोवाइड करा जाती है, यानी कि जो आर्म फोर्स है उसकी फंक्शनिंग की एक बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है बच्चों की, ताकि उसको ढंग से यूज किया जा सके। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा COVID-19 हो गया, अब मुझे याद है हमारे जो गांव था उसके पास में, जो हमारी जो बेसिकली सिटी थी, वहां पर एक मेला लगा करता था, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था वो एनसीसी में, मैंने तो एनसीसी ली नहीं, मैंने मेरे स्कूल में एनसीसी थी नहीं, गांव से पढ़ता था मैं, तो वो बेसिकली सिटी में पढ़ता था, तो उसको एनसीसी मिली थी। तो बोलता था कि यार अब ड्यूटी लग गई है यहाँ पर, देखो अब मतलब ड्यूटी करनी है, मेले के अंदर ड्यूटी लग गई है, ठीक है। तो मैंने कहा सही है, तो मुझे काफी फील भी होता था कई बार, मैंने कहा एनसीसी होनी चाहिए थी, लेकिन गांव वाले स्कूल में एनसीसी थी नहीं, वरना मेरा बड़ा मन था इन सब चीजों में। चलो जो भी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई नहीं, जो चलती है सही चलती है चीजें। तो वहां पर वो सारी चीजें मुझे कई बार याद आ जाती हैं, उसके पास में सर्टिफिकेट भी हो गया था एनसीसी का, सी सर्टिफिकेट भी, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सी था या बी था, आई थिंक याद नहीं एग्जैक्टली, सी था, चलो जो भी है। तो वेरियस ट्रेनिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, एक्टिविटीज, मिलिट्री ट्रेनिंग, तो काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर आप लोगों को एनसीसी का देखने को मिलता है। पूछकर बता दूंगा मैं BASC है, ठीक है। एनसीसी जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और डायरेक्टर जनरल जो है वो 3-स्टार जो मिलिट्री रैंक, ये इसको हेड करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि एनसीसी जो है कई सारी इमरजेंसी, जैसे COVID-19 हो गया, कहीं पर कहीं बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, सूखा पड़ गया, कई जगह काम करते हुए नजर आते हैं। अगर बात करें ऑनगोइंग पेंडेमिक के टाइम पर 60,000 के करीब एनसीसी कैडेट जो है वो डिप्लॉय किए गए वॉलंटरी रिलीफ के लिए, कोऑर्डिनेट किया डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अथॉरिटी के साथ में, और पूरे देश में काफी बड़ा रोल प्ले इनके द्वारा किया गया एनसीसी के द्वारा। कंट्रीब्यूशन जो था कैडेट का थ्रू द वेरियस इनिशिएटिव, तो यहां पर एक्साइज जिसका नाम था योगदान, तो ये मैनेजमेंट था COVID-19 के चलते पेंडेमिक के टाइप पे, तो यहां पर काफी सारे लोगों को इन सब चीजों का फायदा पहुंचा, तो एनसीसी ने काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर किया। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसके बारे में। और अभी रिसेंटली एनसीसी को जो है और इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी वजह से भी ये न्यूज में रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये भी एक सोचने समझने और पढ़ने लायक मुद्दा है, बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन। देखिए हमारे देश में जो अगर कोई कानून बनाते हैं ना, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई कानून है क्या, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है UNCITRAL, तो आप लोग UNCITRAL है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनल, ये इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ट्रेड होना है उससे रिलेटेड लॉ। आप लोग ये समझिए, हमारे देश में कोई कंपनी है, वो कंपनी जो है वो दिवालिया हो गई,
तो उसके लिए हम लोगों ने इनसोल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बना रखा है कि उसकी दिवालिया के रिलेटेड उसकी प्रोसीडिंग जो है उसकी स्टार्ट की जाए, तो उसके चलते हमारे देश में प्रोविजन है। पर लेकिन अगर कोई और कंपनी है जो कि बाहर की कंपनी है और हमारे देश में आकर वो दिवालिया हो गई, यानी कि हमारे देश में दिवालिया होगी उसकी, या फिर अपने देश में दिवालिया होगी उसकी ब्रांच हमारे देश में भी है, तो यहां पर भी उसकी कहानी खराब होगी, तो किस तरीके से काम चलेगा। तो ये कुछ ऐसे रूल हो गए, ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि रूल और रेगुलेशन हमेशा ऐसे रखने चाहिए जो कि अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी अगर देश में आ रही है तो उसको भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा पब्लिश किया गया एक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब एक खाका तैयार किया गया यहाँ पर कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को कैसे लेकर चलना है। तो हमारी कंट्री में इंसॉल्वेंसी जो बैंक्रप्सी कोड है वो अपने देश के लिए, अगर बाहर से भी कोई कंपनी आ रही है उसमें हो जाए तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक तो हो गया कॉर्पोरेट जो यहाँ पर डेबिटर हो गया, एज वेल एज पर्सनल जो गारंटर हो गया, तो यहाँ पर सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा अगर दिक्कत देखने को मिलती है क्रॉस बॉर्डर। अगर कोई कंपनी आकर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, मार्केट से पैसा उठा रही है, तो कई सारी चीजें सामने निकल कर आती है। तो बेसिक चीजें जो हैं वो आप लोगों के माइंड में यहां पर इसको लेकर क्लियर होनी चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा तो कैसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो वही चीजें यहां पर मैं आप लोगों को समझा भी रहा हूं, तो ये कई सारी बातें हैं जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। बाकी आगे क्या क्या बातें की जा रही है, कई बार ऐसा होता है, देखिए एसेट्स क्या होती है, एसेट्स होती है आप लोगों का पैसा, जब बैंक में जाकर आप लोग पैसा रखते हैं वो आप लोगों की एसेट्स हो गई, ठीक है। लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज होती है बैंक के पास में लायबिलिटी है वो आप लोगों का पैसा देगा, यानी कि बैंक जो उधारी लेता है वो लायबिलिटी हो गई। जुकाम हो गया क्या? तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहां पर तो एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये देखने को मिलेगा कि कहां कहां पर बेसिकली कंपनी लोकेट करिए, कैसे उसको अलाउ करना है। तो एक तो यहां पर बात करिए लोकेशन ऑफ द कंपनी ऑफ फॉरेन एसेट्स कहां पर है, आइडेंटिफाई करना है किसने क्रेडिट दिया है, ठीक है, कौन क्लेम करने वाला है, यानी किसको लेना है किसको देना है, एस्टेब्लिश करना है कि पेमेंट कैसे चलना है यहां पर जो क्लेम कर रहा है, कोऑर्डिनेट करना है कोर्ट और डिफरेंट कंट्रीज में, यानी कंपनी मान लीजिए कोई हमारे देश की है कोई बाहर गई है और वहां पर जाकर बैंक एक तरीके से इंसॉल्वेंसी देखने को मिल रही है, तो कैसे कैसे काम करना है, तो उसी के चलते UNCITRAL मॉडल लो यहां से, जिसको यूज करके हम लोग कुछ अपनी देश के लिए भी खाका तैयार कर सकते हैं। तो मान लीजिए कल को हमारी देश की कोई कंपनी बाहर है और वहां पर दिक्कत हो गई, या किसी और देश की कंपनी हमारे यहां पर है यहां पर दिक्कत हो गई, तो उसमें बैलेंस कैसे बनाना है, तो कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यूनाइटेड नेशन जो सिस्टम है उसमें इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के बारे में बात की जाती है, जिसके चलते एक लीगल प्रोसीडिंग भी है कि क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर इसके द्वारा एक वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाता है ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो आप लोग एक दूसरे के साथ में कंपेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें उनको कैसे कैसे इंटरनेशनल लॉ है, ताकि कोई दिक्कत देखने को मिले अगर एक दूसरी कंपनी एक दूसरे के देश में जाती है। तो इंडिया जो है वो ओनली वन ऑफ द 8 कंट्रीज है जिसने यहां पर मेंबर है UNCITRAL का, और इससे फायदा यह है क्योंकि हमारे देश में अगर कोई कंपनी आएगी तो उसको पता है कि हम लोग इसके मेंबर है, तो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कि कल को कोई दिक्कत होगी तो सॉल्यूशन भी यहां से निकल जाएगा। करंट टाइम पे कुछ प्रतिबंध है यहाँ पर, अगर कोई फॉरेन क्रेडिटर है जिसने क्रेडिट दे रखा है वो क्लेम कर सकता है डोमेस्टिक कंपनी के, पर लेकिन अगर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत यहाँ पर बात करें तो उसको अलाउ नहीं किया जाता है ऑटोमेटिक रिकग्निशन का यहाँ पर फंडा नहीं है। और यहाँ पर अगर कल को ये चीजें हो जाएंगी तो उसमें एक यहाँ पर चीजें इंक्लूड हो जाएगी कि आसान रहेंगी चीजें करने। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो है वो भी एक चैप्टर यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर ऐड किया जाएगा, तो ये भी काफी बड़ी बात है। और इंडियन जो कंपनी है वो भी अपने जो क्लेम कर सकती है ड्यू, यानी कि अगर उन्होंने कहीं उधारी दे रखी है तो वो भी उसके बारे में बात कर सकती है अगर कल को डूबा डाबी हो रही है, इस तरीके से कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। कल को हमारी इंडियन जो कंपनी है उसका कोई बैंक है, मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी थी हमारे देश में काम कर रही थी, उसकी ब्रांच डूब गई और वो दूसरे देश में चली गई, वहां पर हमारा कोई बैंक है तो वहां पर वो बैंक में पैसा डाल देगी, हमारे बैंक की कोई ब्रांच है तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर लिखित में एक प्रॉपर सिस्टमेटिक थ्रू होनी चाहिए यहां पर। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इसीलिए लेकर आया गया था कि कल को कोई दिवालिया बन जाती कोई कंपनी, उससे कैसे पैसा निकालना है, कम से कम कुछ तो निकले बेच बाच के जैसे तैसे उसको संभाल कर, तो ये सारा सिस्टम यहां से देखने को मिलता है। तो हेल्प किया जाता है यहां पर जिसने पैसा दे रखा है, जिसने ले रखा है कि सबके पैसे जो है उसके हिसाब से उसके पास में पहुंचे, ये है कि सबने अपनी मेहनत से पैसे कमा रखे हैं तो इसलिए जरूरी हो जाता है। तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अभी तो ड्राफ्ट के फॉर्म में, आगे और भी चीजें चेंज होंगी, बनेगा कुछ नया चीजें तो तब फिर से डिस्कस कर लेंगे, शर्माना और घबराना क्यों है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। अभी अगर बात करें जैसे हमारे देश में गंगा रिवर है, ऐसे ही लंदन में आप लोगों को थेम्स देखने को मिलेगी, तो लंदन की जो थेम्स है उसको गंगा बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो अभी यहां पर इसी के चलते हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या बातें देखने को आप लोगों को मिल रही है यहां पर। अभी ये बोला गया है बेसिकली
कि हमारी कंट्री से रिलेटेड गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन ये यहाँ पर लंदन के अंदर एक ऑर्गेनाइज कराया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी, तो उसके चलते यहाँ पर उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन में यहाँ पर इनोग्रेट की गई थी यहाँ पर ये वाली चीजें। तो यहाँ पर अभी 10 की इनिशिएटिव जो अनाउंस किए गए एग्जीबिशन के अंदर में, तो किस तरीके से गंगा को हम लोगों को क्लियर करना है, वो क्लियर करना है, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोगों ने सोचा कि फायदा पहुंचाए। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया और सेंटर फॉर गंगा जो रिवर बेसन जो मैनेजमेंट एंड स्टडीज हैं, उनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी कंपनी है या फिर जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, नीति कानून नियम बनाने वाले, इंडस्ट्री अलग अलग बिजनेसमैन है, इन्वेस्ट करने वाले हैं और फाइनेंस प्रोफेशनल है, सबको साथ में लेकर आ जाए ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है कि पैसा लाया जाए बाहर से निकाल के, ठीक है, और फिर अपने देश में उस चीजों को एंजॉय करो। हालांकि देखिए हमारे देश में गंगा रिवर जो है काफी लंबे समय से पोल्यूशन में घिरी आ रही है, पर लेकिन अब तक का उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं की गई, वो काफी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की जाए इकोसिस्टम की, कैसे है गंगा वाले रीजन में, कैसे क्लीन करना है, किस तरीके से चीजों को कंटिन्यू रखना है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे आप लोगों ने मेहनत कर करना वेट घटा लिया, पर लेकिन फिर से वेट उतना ही हो गया, इसका मतलब यह कि आदतें नहीं सुधरी, आदतें अभी वही है, ठीक है। तो इस तरीके से जरूरी है कि आदतें सुधारी जाए तो ही वेट आप लोगों का कम होगा। इनेबल करना है एंगेजमेंट को, कैसे सबको साथ में लेकर चलें। एक अकेला इंसान बोले कि मैं पहाड़ पलट दूंगा तो उसके बस की बात नहीं है। हाँ, छोटे छोटे पत्थर तोड़कर हटा सकते हैं लंबे समय तक, पर लेकिन अगर पहाड़ पलटने को अकेला बोले तो नहीं होगा। हाँ, कई सारे लोग आएंगे तो पहाड़ को पलट भी सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं। तो इंगेजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी कई सारे लोगों की। डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि गंगा को क्लियर करना तो अपनी जगह है, पर लेकिन इन्वायरमेंट भी साथ में लेकर चलना है। तो गंगा जो है उसके चलते अगर बोला जाए तो काफी इंपॉर्टेंट रिवर है। हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन गंगा के आसपास ही आप लोगों को नजर आएगी, जो गंगा वाला एरिया आप लोगों को नजर आता है। आगे चलकर ये वेव बंगाल में गिरती है, बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है। जैसे ही यहाँ पर ये बांग्लादेश के अंदर एंट्री करती है तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर इसका नाम है पद्मा, वो आगे चली जाती है और यहाँ पर ये हुगली अलग चली जाती है। बाकी वहां पर ब्रह्मपुत्र आ रही होती है, उसका नाम होता है जमुना, ठीक है। जब दोनों मिलते हैं तो आगे चल के बोल देते हैं मेघना, और ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है यहाँ पर वेव बंगाल में जाके। सुंदरबन डेल्टा मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पर सुंदरी ट्री था, उसके नाम पर इस डेल्टा का नाम रखा गया, तो सुंदरबन डेल्टा उसको बोल देते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें होगी यहाँ पर इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि लंदन में हुआ तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट कंट्री में जाकर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया। तो क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, इसके बाद में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे देखे यहाँ पर जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। तो 3 डे हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है। तो पहला जो डे था यहाँ पर ये वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के बारे में था। दूसरी जो न्यूज थी यहाँ पर ये था इंटरनेशनल डे फॉर एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी के बारे में। तीसरी जो न्यूज थी यहाँ पर ये था नेशनल जो पोल्यूशन कंट्रोल डे के बारे में। और सेकंड न्यूज में याद रखिएगा हम लोगों ने कुछ आर्टिकल भी डिस्कस किए, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल कर आई वो हम लोगों ने बात की यूएन जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोगों ने बात की। तो कई सारे मुद्दे आप लोगों को जानने को मिले, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आई वो हम लोगों ने गंगा एग्जीबिशन और वो सब बातें जानी, कहाँ कहाँ से गंगा गुजर रही है वो भी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसी के साथ में एनसीसी के बारे में काफी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने को मिली, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की ये बात की हमारे देश में नेशनल जो नीति आयोग के बारे में, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत है, तो सारी बातें समझी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी यहाँ पर हम लोगों ने समझा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो मुद्दे देखने को मिले, तो किस तरीके से प्राइवेट को बैंकिंग सिस्टम का दर्जा देना चाहिए, तो वो सब मुद्दे थे। तो कैसा लगा ये डिस्कशन जरूर बताना। अब आइए क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बताना है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है। दूसरे नंबर पर यहां पर यह बोला गया कि जो बात करें पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो गरीब तबका है सोसाइटी में कहां पर है और सबसे ज्यादा अमीर कहां पर है। जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडिया की रैंक कितनी है ये आप लोग को बताना है। किसके द्वारा होल्ड पर की गई थी रिकमेंडेशन इंटरनेशनल वर्किंग कमेटी की ये आप लोग बताइए। गंगा का एग्जीबिशन कहां पर देखने को मिला ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में कहां पर इनोग्रेट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ये आप लोग को बताना है। नेशनल रिवर बेसिन अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर बेसिकली। एनसीसी के बारे में बता रहे हैं एनसीसी को कब फॉर्म किया गया था और कौन सी कमेटी के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था। यहाँ पर केरला हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो केरला हाईकोर्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलकर जो बेसिकली बात करें केरला हाईकोर्ट ने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया है कि यहाँ पर कि आप लोग क्या करना है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कौन से एक्ट को अमेंडमेंट किया जाएगा, तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया गया तो ये बताना है। नेक्स्ट डे का क्विज है ओमिक्रॉन का वायरस का नाम क्या है और डेल्टा का क्या है ये आप लोगों को बताना है।
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के बारे में बात करें तो ICCS इसके बारे में आप लोग बताए क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है। सरकम पैसिफिक बैंक जो ब्रांच है उसमें कितने ज्यादा वोल्केनो वगैरह देखने को मिलते हैं ये आप लोग बताइए। अर्थक्वेक वगैरह ब्रिक की कौन सी मीटिंग थी यहाँ पर इसके बारे में बताइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। इनोवेशन इंडेक्स यहाँ पर इसके बारे में बताइए कब तक का प्लान है और इंडिया की रैंक कितनी है। तो ये कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बेसिक आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं तो एक एक कर आंसर देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड एड्स डे के बारे में तो थीम थी यहाँ पर एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ओमिक्रॉन के बारे में बात की जाए तो ये सदर्न अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिला। इसी के साथ में डेल्टा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला आप लोगों को कहाँ पर इंडिया के अंदर में तो इनके नाम पता होने चाहिए। ओमिक्रॉन है B11529 इंडिया है यहाँ पर B16172 ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर के अंडर में आता है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ताकि स्मार्ट सिटी को ढंग से टैकल किया जा सके। स्मार्ट सिटी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में आती है। 81% अगर आज के दिन में बात करें तो अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पर सरकम पैसिफिक वाले एरिया में और 9th मीटिंग अभी देखने को मिली यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर ब्रिक की। इसी के साथ में यहाँ पर इनोवेशन कोऑपरेशन जो एक्शन प्लान है वो 21 से लेकर 24 तक का है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर इंडिया की रैंक 46, चाइना की 12, रशिया की 45, ब्राजील की 57 और साउथ अफ्रीका की 61 रैंक है यहाँ पर ये अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। काफी डिटेल में सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। लेक्चर सुनने के बाद में लगे इसकी पीडीएफ होनी चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना ताबड़तोड़ बिना रुके ठीक है तो वहां से जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में ट्विटर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करा मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद।